चल मना रे, आँख बना ले, महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क तब दे आ पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। सब कुछ है यही रह जाना, जिद बना दे, जीद करा दे, यार मेरा साया, नांझड़ मेरा, माही मेरा, ढोल मेरा साया। बात तो ऐसे करी थी जैसे कि वाइफ हो। कैसी बातें कर रही हो? अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, अभी वाइफ नहीं, लाइफ एंजॉय करनी है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरे फैसले से कोई इनकार नहीं। अम्मा जानी, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं हवेली आकर तुम्हें सबसे छुड़ा कर ले जाऊंगा। भरोसा रखो मुझ पर। आबिद के बाप को अभी तुम अच्छी तरह जानती नहीं हो। जब उसने बीजान को अपनी उंगलियों पर नचाया हुआ है तो तुम तो उसके सामने कौन से खेत की मूली हो। तुम्हें कब काट कर फेंक देगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। अभी तुम्हारे दादू से मैं यही जिक्र कर रही थी बेटी, कि मेरी बेटी की शादी इतने धूमधाम से होगी, इतनी धूमधाम से होगी कि आने वाली कई नस्लें उसको याद रखेंगी। तुमने कुछ वक्त मांगा था ना मुझसे, है बेटा? तुम्हारी उलझने उम्मीद है कि सब दूर हो गई होंगी। जी, मेरी सारी उलझने दूर हो गई। गुड, वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि तुमने मेरे फैसले को कबूल कर लिया होगा। मुझे अफसोस है कि मैं आपके इस फैसले को कबूल नहीं कर सकती। मैं आबिद से शादी नहीं करूंगी। क्या क्या कहा? मैं ये शादी नहीं करूंगी। फिर से कहो, क्या कहा? मैंने आपसे कहा ना, मैं ये शादी नहीं करूंगी। फिर से कहो, क्या कहा? फिर से कहो, क्या? ये शादी नहीं करोगी? दादू, तुम ये शादी नहीं करोगी? अम्मा जानी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। दादू, दादू प्लीज, अम्मा जानी प्लीज, मैं ये शादी नहीं कर सकती, प्लीज मुझे छोड़ दो। दादू, अम्मा जानी प्लीज मुझे छोड़ दो। बड़ी मालकिन छोटी मालकिन को मार देगी। गुल बाबा बचाओ ना जाके, गुल बाबा जाओ ना, जल्दी से बचा लो ना गुल बाबा। रहमगुल, इसने गुस्ताखी की, मुझे इनकार किया,
शादी से इनकार कर रही है। बगावत की है इसने। लेके जाओ उसको, लेके जाओ उसको। और सुनो, तुम हटो परे, छोड़ो उसको। उसको लेके जाओ और उसको तहखाने में बंद करो। और कोई इससे नहीं मिलेगा सिवाय तुम्हारे। नहीं नहीं नहीं, नहीं मालूम तुमने बगावत की है बेटा। और बगावत करने वालों को तो सजा बहुत बुरी मिलती है। तुमको तहखाने में रहना पड़ेगा। ओके ओके, ले जाओ उसको तहखाने में, इसको ले जाकर रखो, तुम्हारे सिवा कोई इससे ना मिले। दादू, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। प्लीज आप अम्मा जाने को समझाइए, ये शादी नहीं करती। आप करेंगे ना उनसे बात। छुट्टी मलकन, चलो आजो बेटा, आजो मेरा बेटा, चलो बेटा। मेरी सिचुएशन बहुत नाजुक है वकील साहब, मेरे लिए एक एक दिन बहुत कीमती है। आपको अंदाजा नहीं है, मैं ये केस अपनी जान हथेली पे रख के लड़ रही हूं और आपने एक महीना साया कर दिया। देखिए मैडम, पहली पेशी पे आपका हुआ हो गया, दूसरी पेशी पे मेरी तबीयत खराब हो गई। इंसान हो, तबीयत खराब हो सकती है। और तीसरी पेशी पे मैडम, आप सिर्फ एक केस लड़ रही हैं, मेरे पास 101 केस है। हर रोज कोई ना कोई एक अहम केस अदालत में लगा होता है। वकील साहब, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपके उन 101 केसेस से हमारा केस टोटली डिफरेंट है। आपके किसी क्लाइंट को पेशी पे जाने से रोकने के लिए अगवा नहीं किया गया होगा। आरिफ साहब, ठीक है, ठीक है कि मैडम को अगवा किया गया तो मेरे भी ऑफिस में आकर मुझे डराया धमकाया गया, इसके बावजूद भी मैं आपका केस लड़ रहा हूं। ठीक है, अगर आप लोग मेरी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है तो यू कैन चेंज यूर लायर, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। नहीं शकील साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए ना। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी ऐसा ही सोचते। मुझे तो ऐसा लगा कि आपको इस केस में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही। आपका बयान ठीक है, एक दो डेट्स जाया हो गई। नेक्स्ट वीक में हमारी डेट है, मैं कोशिश करूंगा कि इस बार कोर्ट से मैं कोई शॉर्ट ऑर्डर हासिल कर लूं। I'm sorry, very sorry, शकील साहब, मुझे आपसे स्टोन में बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन प्लीज आप हमारी परेशानी और फ्रस्ट्रेशन को समझिए। देखिए, कोशिश कीजिए कि इस पेशी पे हेयरिंग हो जाए, देर होती जा रही है और ज़ेबुन साहब बेगम अपने पुराने हथकंडों पर उतर आई है। मुझे तो बस ये डर है कि वो मानूर की शादी ना कर दे। अगर ऐसा हो गया तो मेरा कानूनी हक तो खत्म हो जाएगा उस पर। मैडम, कानूनी हक अब भी सिर्फ मानूर के पास ही है। ये फैसला उसी ने करना है कि उसने किसके साथ रहना है, अपनी दादी के साथ या फिर आपके साथ। एक बेटी अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, अगर उसकी शादी हो गई तो फिर उसका मिलना नामुमकिन है। मैं वलीद खान को जानती हूँ और सुना है कि आबिद खान तो उससे भी दो हाथ आगे है। तूने वही किया जिसका मुझे डर था। डाइन भी 100 घर छोड़ के काट दिए, लेकिन तूने अपने ही खानदान की लड़की को बर्बाद किया। क्या हो गया आपको? जवान बेटे पर ऐसे हाथ उठाते, कुछ तो होश के नाखून करें। मैं होश के नाखून हूं और तेरा बेटा जो चाहे करता मेरे। समझाया इसे,
आबिद खान सबर से काम ले, लेकिन तेरे बेटे से सबर नहीं होता। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मैंने तिनका तिनका जोड़ा, आज जब उस ख्वाब के पूरा होने का वक्त आया है तो तेरा बेटा हर रोज नया फसाद खड़ा करता है। जो होना था वो हो चुका। सोचने वाली बात तो अब ये है कि उस औरत का मुंह कैसे बंद करवाए। वो बंद करवाना आता है मुझे। बस बस, तूने जो करना था सो कर लिया, अब कुछ नहीं करेगा तू। झूठ बोल रही है वो किसी और का गुनाह मेरे सर पर डालना चाहती है। बकवास बंद कर, मेरा बेटा है तू, तेरी रग रग से वाकिफ उमा है। कोई राह चलती लड़की होती तो शायद मैं उसकी बात का यकीन करता, लेकिन ये मुनज़्ज़ा है, मेरे खानदान की लड़की, जान चली जाएगी पर कभी झूठ नहीं बोलेगी। तो मैं भी इसी खानदान का हूं। उसने मेरी इज्जत बर्बाद की ना, मैं भी उसे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। आबिद खान, याद रखना फरसाना, अगर तेरे बेटे की वजह से मेरा ख्वाब पूरा ना हुआ ना, तो खुदा की कसम इन्हीं हाथों से तेरे बेटे को गोली मारूंगा मैं, वलीद खान। छुट्टी मालकन, अभी आपकी कैसी तबीयत है? ठीक। बात बताएं गुल बाबा जी। बोलो मालकिन। मैंने कुछ गलत किया क्या? मुझे अपनी मर्जी से जीने का कोई फैसला करने का हक नहीं? इस हवेली में बड़ी मालकिन की मर्जी के बगैर कोई जिंदगी नहीं गुजार सकता। पर मुझे नहीं रहना यहाँ, अब प्लीज मुझे आजाद करा दो वरना मैं यहाँ मर जाऊंगी। ऐसी बातें मत करो, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। बद्दुआ ना दे गुल बाबा, मैंने इतनी सी उम्र में इतने सारे दुख उठा लिए, अगर मेरी तकदीर में दुखी लिखे मैं लंबी उम्र का क्या करूंगी? मायूसी कुफर है छोटी मालकिन, अल्लाह सब अच्छा करे। आज मुझे मामा बहुत याद आ रही, ऐसा लग रहा है कहीं वो पास में। मैंने कल रात भी उन्हें ख्वाब में देखा था। मुझे यकीन है एक दिन आप उनको जरूर मिलोगी। आज क्या दिन है? आज इतवार है। कल पीर है, कल हमें जमीनों पर जाना है। गुल बाबा, अगर अदील आपसे मिले तो आप उसे सब मत बताइएगा, ऐसे परेशान हो जाएगा। नहीं छोटी मालकिन, मैं जमीनों पर नहीं जाऊंगा, जब आप अच्छी हो जाओगी फिर आपके साथ चलूंगा। नहीं गुल बाबा, वहां वो इंतजार कर रहा होगा, कोई भी बहाना कर देना। अगर छुट्टी मालकन, कोई बाबा प्लीज, मेरा इतना ऐसा काम नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको पैगाम पहुंचा दूंगा। थैंक यू। जिंद बना दे दीद करा दे यार मिला साया, रांझण मेरा माही मेरा ढोल मिला साया। जिंद बना दे दीद करा दे यार मिला साया। आप कोशिश कीजिए कि
जल्द से जल्द अगली तारीख मिल जाए। जी मैं पेशकार से बात करूंगा। कोई फायदा नहीं है शकील साहब। क्यों, क्या डेट हो गई? अगले महीने की 20 तारीख हुई है। ये तो बहुत लंबी डेट है, एक महीने से ज्यादा की तारीख मिली हमें। मैडम सिर्फ आपका केस नहीं है अदालत के पास, हजारों केस होते हैं और रोजाना 60-70 केस लगते हैं। शकील साहब आपको तारीख लेकर आना चाहिए था, वरना लोग अपनी मर्जी से तारीख ले लेते हैं। अकलमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। मिलते हैं अगले महीने की 20 तारीख को। देख लिया आप लोगों ने, अब तो मुझे वाकई ऐसा लगने लगा है कि ये जो कह रहा है ना कि जज बिक गया, वाकई आप ठीक कह रहे हैं। जेबुन साहब वाकई एक पहुंची हुई खातून ने बड़ा असर रसूख है उनका। ताबेदार हो गए हैं वो भी जेबुन साहब के। ओ दिल दे आखे लगे आजे इश्क प्याला पीता, इश्क प्याला पीता, होर सबक ना पढ़िया कोई, यार यार ही कीता, कैसे हैं गुल बाबा? मैं ठीक हूं। मैं छोटी मालकन का पैगाम लेकर आया हूं, उन्होंने बोला है वो आज तुमसे नहीं मिलेंगी, उनका इंतजार मत करना। क्यों, मानू ठीक तो है? उसका फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्यों नहीं आई? कोई तो वजह होगी ना आने की। तुम जानते हो छुट्टी मालकन का शादी होने वाला है। कुल बाबा कब कब मिलेगी वो मुझसे? तारीख का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब कभी तुम उनसे नहीं मिल सकोगे। जाता हूं। हाँ हाँ मैं कोशिश कर रही हूं कि कम से कम निकाह की रस्म जल्दी अदा हो जाए। जी जी बिल्कुल, लेकिन आप केस पर पूरी तवज्जो दीजिए, कोई कोताही नहीं होगी। जी जी मैं मान रही हूँ भाई, आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको मुंह मांगी रकम भी तो मिली है ना। हाँ जी जी, ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम बीजा। फुर्सत मिल गई आपको? बीजा ना आप तो जानती, मैंने फैक्ट्री में जॉब कर ली थी। जिसकी आपने मुझे बताने की जहमत नहीं की। मैंने मानूर को बताया था, बल्कि इजाज़त ली थी उससे। इस हवेली में किससे इजाज़त लेना होती है ये मालूम नहीं है आपको? जी बीजान गलती हो गई, इसीलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। छोड़ दी या निकाल दी गई? जी ऐसा ही है। आबिद खान का ख्याल था कि मानूर को मेरा फैक्ट्री में जॉब करना पसंद नहीं। ये बात पहले समझ में आनी चाहिए थी तुम्हें। जी बीजान गलती हो गई मुझसे। मैं मानूर से मिलूं? नहीं
वो हवेली में नहीं है। है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इस वक्त नहीं मिल सकती उससे। ओह, तो मैं खड़े खड़े बस खैरियत मालूम करके आ जाती हूँ। मैंने कहा ना कि फिलहाल तुम उससे नहीं मिल सकती, फिर किसी और दिन मिल लेना। बीजान, बहुत जरूरी बात करनी थी। जी, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगी। खुदा हाफिज़। यार, मेरा मानूर से मिलना बहुत जरूरी है। मुझे शक है कि वो किसी मुश्किल में, वरना मुझे कॉल जरूर करती। उसने नहीं किया तो तू कर ले भाई फोन। नहीं कर सकता ना यार, ना उसके पास मोबाइल है और ना ही उसके कमरे में फोन है। वो तो मुझे अम्मा जानी से चुपके फोन करती है। वैसे एक काम हो सकता है। क्या? अगर तू चाचा रहीम गुल को शीशे में उतार ले, वो तुझे शहजादी से मिलवा देंगे। नहीं यार, वो तो मुझे अपनी पीठ पे हाथ नहीं रखने देता। वो तो मुझे मानूर की वजह से बर्दाश्त करना है, वरना कब का मालकिन को सब कुछ बता चुका होता। लीजिए। थैंक यू। अभी आप ले। थैंक यू। घर का खाना इतने अरसे बाद। हुमायूं साहब, अब आप भी शादी कर ही लें, कम से कम घर का खाना तो मिलेगा। किसी जगह मेरी 2 साल से ज्यादा पोस्टिंग होगी ना, तो फिर शादी के बारे में सोचूंगा। 2-3 महीने से ज्यादा मैं रह ही नहीं पाता, मेरा ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि मैं सस्पेंड हो जाता हूँ। I'm so sorry. इस दफा तो आप मेरी वजह से सस्पेंड हुए। नहीं, आप अपने आप को कुछ बार ना समझिए। हर दफा कोई ना कोई नई वजह होती है। वो कोई बात बंदी नजर आ रही? चांसेस तो हैं सर, खानजादा साहब ने काफी उम्मीदें दिलाई हैं। अगर केस खानजादा साहब के पास है तो फिर तो रीइंस्टेट होने के चांसेस हैं, क्योंकि ज़ेबर साहब बेगम को वो ज्यादा लाइक नहीं करते। जी सर, उनके खानदानी दुश्मनियां चल रही हैं, काफी अरसे से एक दूसरे के मुखालिफ भी हैं। हुमायूं साहब, आपका वापस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदालत से तो इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा। देखिए मैडम, इंसाफ जब भी मिलेगा आपको अदालत से ही मिलेगा। पुलिस का काम तो सिर्फ एग्जीक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन होता है। कितने दिनों से केस चल रहा है, अभी तक तो हियरिंग भी नहीं आई। एक्चुअली मैडम चाहती नहीं है कि ये केस कोर्ट में चले। ठीक कह रहे हो तुम, मुझे तो अब अपने वकील पे भी शक होने लगा है। मुझे ऐसा लगता है या तो वो डर गया है या बिक गया। सर, मेरा मशवरा है कि अगर आपको वकील के ऊपर शक हो गया तो उसे फौरी तौर पे तब्दील कर लें, वरना ये केस इसी तरह लटका रहेगा। ठीक है, अगली पेशी तक इंतजार कर लेते हैं। अगर कोई गड़बड़ हुई तो कोशिश करेंगे कि केस किसी और कोर्ट में मुंतकिल हो जाए। और हाँ, वकील को भी चेंज कर देंगे। सैलेड लीजिए। थैंक यू। कॉल मिलाओ उसे। सोच लें, कहीं मेरी आवाज सुन के वो फोन बंद ही ना कर दे। जितना कहे आप उतना करें, नहीं करना चाहती बात तो ना करें। कोई नवाबजादी नहीं है। मिलाएं। As you wish. हेलो, मिस मुनज़ा। जी, बोल रही हूँ। आबिद खान आपसे बात करेंगे। आबिद बात कर रहा हूँ। कैसे फोन किया? दुआ? ना सलाम ना दुआ, क्या बात है? मैं इसक मसरूफ। जो भी बोलना है जल्दी बोलो। तुम अगर बिजी हो ना तो मैं यहाँ कोई फारिग नहीं बैठा। बाबा ने कहा था तो मैंने तुम्हें कॉल मिलाई। तो कहो क्या बात है? तुमसे मिलना चाहते हैं अबू, शाम में घर आ जाना। सॉरी, मैं फ्री नहीं हूं ना ही मैं उनसे मिलना चाहती हूं।
तुम्हें पता तुम क्या कह रही हो? जानती हूँ मैं, आंटी ने जिस तरह से बेइज्जत करके मुझे घर से निकाला था वो भूली नहीं हूँ मैं, और अब जो भी बात होगी वो बीजान के सामने होगी। मना कर दिया? धमकियां दे रही है चूंटी को, पर लग गए। बंदोबस्त करना पड़ेगा इसका। जरा संभल कर हार डालना, कभी कभी चूंटी भी हाथी को गिरा देती है। हाथी फिर भी हाथी रहता है। मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ माँ जानी। बड़ों का एहतराम ताबेदारी और फर्मा बरदारी से होता है, ये बगावत और सरकशी से नहीं होता। मालिकन, छोटी मालिकन को दो दिन से सख्त बुखार है, अगर आप कहें तो डॉक्टर के पास। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक इसको मेरी बात समझ नहीं आएगी इसे कोई सहूलत नहीं मिलेगी। अगर मालिकन। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुक्र करो रहीमगुल कि तुम्हारे कहने पर मैंने उसे यह आरामदेह कमरा दे दिया, वरना बागियों और सरकशों के लिए क्या जगह है तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। मालकन छोटी मालकन बागी नहीं है, भटक गई है, गलत फहमी है इसको कोई, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। समझ जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक हफ्ता, एक हफ्ता दे रही हूँ। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी के लिए तैयार ना हुई तो फिर इसको पता होना चाहिए कि इसकी जगह कहाँ है, जहाँ बागियों और सरकशों की जगह है। एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी के लिए तैयार ना हुई तो फिर इसको पता होना चाहिए कि इसकी जगह कहाँ है, जहां बागियों और सरकशों की जगह। बीजान अगर एक बार तीर कमान से निकल के आना तो फिर वापस नहीं आएगा। मुझे किसी चीज ने कभी खौफजदा नहीं किया वरीद खान, मैंने हर चीज का और हर हालात का मर्दाना वार मुकाबला किया, और हर मामले में वलीद खान आपके साथ रहा है बीजान। मगर यहां बात कानून की है, हम केस को डिले तो कर सकते हैं लेकिन कोई भी जज कानून के खिलाफ फैसला नहीं देगा। और कानून कहता है कि अगर महनूर ने अपनी माँ के साथ जाने का फैसला किया तो कानून हमारे खिलाफ फैसला देगा। ऐसा ही है बीजा। मगर महनूर हमारे खिलाफ बयान देगी तब ना, अगर उसने ऐसा किया तो वलीद खान उस सारी जिंदगी बात नहीं कर सकेगी। बीजान बाद में आप जो कुछ भी करेंगी लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका होगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए बीजान, ये निकाह जो है एक कागजी कार्रवाई है, एक लीगल सपोर्ट है। मेरा आपसे वादा है कि निकाह के बाद बशीर खान को जिंदा या मुर्दा आपके सामने पेश कर दूंगा, और ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं बीजान। क्या कहते हैं, इस पर भरोसा किया जाए? ठीक है, तुम निकाह की तैयारी करो, मैं एक दो रोज में तुम्हें तारीख बताती हूँ कि कौन सी दी जाए। वाह, क्या बात है आपकी बीजान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात रख ली। मुबारक हो भाजा।
मैं फरजाना और आबिद को ये जाके खुशखबरी सुनाता हूँ बेजान। जरूर जरूर सुनाओ फरजाना को खुशखबरी, लेकिन एक बात याद रखना वालिद खान, जो जबान तुमने मुझे दी है उसकी पाबंदी करना होगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम मुझे जानते हो, कोई रिश्ता मेरे पैर की जंजीर नहीं बन सकता। जानता हूं बेजान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ऐसा कभी नहीं होगा। सलाम बेजान। जफर खान बेवकूफ समझता है मुझे, जैसे मुझे कुछ मालूम नहीं। अरे बशीर, और तू मुझे सलाम करने की बजाय मुझ पे लानते डाल रहा है। तू 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 शैतान है। तुझ पे सलामती नहीं, लानत होनी चाहिए, लानत। ओए ये शैतान, तेरे लिए एक अच्छी खबर लाया है, और तुझे आजादी मिलने वाली है, तू आजाद हो जाएगा। छोटे सरकार की शादी होने वाली है, और छोटे सरकार की शादी होते ही तू आजाद हो जाएगा। झूठ, झूठा है तू, और तेरा मालिक भी झूठा है। तेरे पास मुझ पे यकीन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तुझे कह रहा हूं ना। वो बड़ी मालकिन ने हाँ करनी थी तो छोटे सरकार की शादी होनी थी, हाशिम खान की बेटी के साथ छोटे सरकार की शादी तय पा गई है, और मालकिन ने हाँ बोल दी है, अब तू आजाद हो जाएगा, आजाद हो जाएगा तू। इमदाद, इमदाद, क्या क्या मैं वाकई वाकई मैं आजाद हो जाऊंगा? क्या क्या मैं अपने घर के चला जाऊंगा, अपने बच्चों के पास? हाँ हाँ, क्यों नहीं, और अब तो तेरे बच्चे भी जवान हो गए होंगे। हाँ हाँ, अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए होंगे, जवान कब्रू। इमदाद, इमदाद, अब तो मेरी कैद भी खत्म होने वाली है, एक छोटा सा काम कर देगा मेरा? हाँ बोल। यार वो एक लकड़ी की छोटी सी पीढ़ी ला दे, नीचे बैठ बैठ के जिस्म दुखने लगा है, जख्म हो गए हैं यार। ठीक है ठीक है, ये कोई बड़ा काम नहीं है, मैं बावर्ची से बोल दूंगा, वो तुझे दे देगा। हैं? बड़ी मेहरबानी यार। इमदाद, यार मालिक को मेरा याद करवा देना, कहीं कहीं अपनी खुशी में मुझे ना भूल जाए। चंगा चंगा, बोल दूंगा। या अल्लाह, या अल्लाह, ये शादी बहुत जल्दी करवा दे, शायद शायद मेरी रिहाई का परवाना बन जाए ये शादी। मानूर में इतनी जुरत कहां से आ गई कि वो मेरे फैसले को तस्लीम ना करे? इतनी जुरत, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत सिर्फ एक शय से आती है, जिसे लोग इश्क कहते हैं। वो तो कभी मेरे सामने आंख उठाकर बात नहीं किया करती थी, हमेशा आंख झुकाकर मुझसे उसने बात की, और आज उसमें इतनी जुरत आ गई कि मेरी आंख में आंख डालकर उसने शादी से इनकार किया है। कहीं ऐसा तो नहीं रहीम गुल कि उसे यह पता चल गया हो कि उसकी मां उसे हासिल करना चाहती, या किसी ने उसको यह बता दिया हो कि अदालत में मुकदमा चल रहा है? नहीं मालिकन, वो हर बात से बेखबर है। हाँ लेकिन कोई तो है रहीम गुल जो उसे वरगला रहा है। नहीं नहीं मालिकन, आपका आपका वहम होगा,
छोटी मालिकन के साथ तो हर वक्त गार्ड रहते हैं, और जब से उनकी माँ वापस आई है ज़मीनों पर मैं खुद उनके साथ जाता हूँ। मैं असल में अभी मानूर की शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि मैंने वलीद खान से कह दिया है कि निकाह की तैयारी करें, मैं फौरन निकाह करूंगी। तुम उसे समझाओ, अगर उसने मेरे इस फैसले से इनकार किया तो वो मेरे ग़ैज़ व ग़ज़ब को ललकारेगी, समझे? अल्लाह आपका फैसला मुबारक करे। हाँ, समझाओ उसे और उसे कहो कि मान जाने में उसका फायदा है। रहीम गुल, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खामोश थी, वरना अब तक मैं उसकी खाल खिंचवा के उसमें भूस भरवा चुकी होती। नहीं मालिकन, मैं छोटी मालिकन को समझाने की कोशिश करूंगा, मुझे यकीन है वो मेरी बात मान जाएंगी। समझाओ, अभी समझाओ, आज ही समझाओ, मुझे वलीद खान को निकाह की तारीख देनी है। जो हुक्म मालिकन। मुजफ्फर खान अपनी पोती के करतूत, उसकी आंखों में वही चमक है जो तुम्हारे बेटे हाशिम खान की आंखों में थी। जिस वक्त उस हर्राफा ने उसको अपनी जाल में फंसाया था, मैं भी यही समझती थी, लेकिन मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या मेरी जिंदगी मेरी खुशियों से बढ़कर भी कुछ हो सकता है? अगर आप उस लड़के को जिंदा देखना चाहती हैं तो उसे भूल जाएं, वरना अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार आप होगी। वे मेरी जिंदगी और खुशियों की कीमत पर कि रियासत और आप सब तबाही से बच सकते हैं तो ये सौदा महंगा नहीं है। तुम्हें वक्त बताएगा कि मैंने ये फैसला पर वक्त और बिल्कुल दुरुस्त किया। कब है निकाह? तारीख का तो मुझे पता नहीं, लेकिन शायद इसी महीने में। महल मना रहे, लाख बना ले, महल मना रहे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदे आ पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। सब कुछ है यही रह जाना, चित बना दे जीद करा दे यार मेरा साया, नांझड़ मेरा माही मेरा ढोल मेरा साया।